हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी शिवा और मैं आज आप सभी से बात करने वाला हूँ सुशांत सिंह राजपूत स्टार फिल्म डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी मूवी के बारे में। सबसे पहले सबसे ज़रूरी बात कि आपको ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। देखो दोस्तों यार, आपको ये मूवी सोनी लिव ऐप के ऊपर अवेलेबल हो जाएगी हिंदी लैंग्वेज में, तो अभी आप जाकर के वहाँ पर देख सकते हो। अब दूसरी सबसे ज़रूरी बात, क्या आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं? देखो यार, मेरे हिसाब से बिल्कुल आपको ये मूवी देखनी चाहिए, क्योंकि ऐसा बहुत कम होता है जब बॉलीवुड में ऐसी कोई मूवीज़ आती है जिसमें विदाउट एनी फालतू के रोमांस और वल्गैरिटी के साथ में मिस्ट्री मूवीज़ को बनाया जाता है। देखो यार, मूवी बहुत ही शानदार है और साथ ही इस मूवी की एक और ख़ास बात है जो इस मूवी को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाती है, वो है यार इस मूवी में एक के बाद एक नई कहानियाँ मिलेगी देखने को, जो और ज़्यादा इस मूवी को मज़ेदार बनाती है। दोस्तों अगर बात करें मूवी की स्टोरी की, देखो यार दोस्तों, मूवी की स्टोरी शुरू होती है अतुल बैनर्जी नाम के एक आदमी से, जिसे अपने पापा के मर्डर का केस सॉल्व कराना होता है। इसके लिए वो डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी के पास में जाता है, जहाँ पर वो पहले तो उसे मना करता है लेकिन बाद में वो उसके लिए जाने के लिए तैयार हो जाता है। जहाँ पर वो कलकत्ता के अंदर ही किसी जगह पर जाता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात एक डॉक्टर अंकुल गुहा नाम के आदमी से होती है, जो उसे वहाँ पर रहने के लिए भी जगह देता है। तभी वहाँ पर वो अपनी मिस्ट्री को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करता है, जहाँ पर उसे एक क्लू मिलता है जिसे देख करके वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, यानी कि जो ब्योमकेश बख्शी होता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उसे लगता है कि यार अब तो मेरा ना केस सॉल्व हो गया, मतलब सारी कड़ियाँ मिल चुकी है, बस मिल चुका है कि कौन विलन है, किसने मारा है, सब कुछ पता चल गया है। तभी वहाँ पर कहानी में ट्विस्ट आता है और कहानी बढ़ती है आगे, जहाँ पर वो कहानी उसे ले जाती है सत्यावती नाम की एक लड़की के पास, जहाँ से स्टोरी में और भी कलाकार जुड़ते जाते हैं, जैसे कि अंगूरी, यांग गुहाऊ, डॉक्टर वानाबी भी, ऐसे बहुत से कलाकार जिसके अंदर जुड़ते जाते हैं और कहानी को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। जहाँ आखिरी में इन सब की कड़ी एक ही आदमी से जुड़ी होती है, जिसका नाम होता है यांग गुहाऊ, जो कौन है, जहाँ इन सभी में से एक ही होता है जिसने वो मर्डर किया होता है, और वो कौन करता है, वो कौन है, आपको ये सब मूवी में देखने के बाद में समझ आएगा। तो मैं तो कहता हूँ यार, अभी आप देख लो ये मूवी, क्योंकि लॉकडाउन में वैसे भी अगर आप किसी अच्छी मूवी की तलाश कर रहे हो तो ये एक अच्छी चॉइस होगी आपके लिए। वहीं पर पॉइंट्स जो मुझे इस मूवी के अंदर अच्छे लगे, और साथ ही साथ शायद तक आपको स्पॉयलर्स भी मिल जाएंगे, तो आप वीडियो को भी रोक सकते हो या फिर अगर देखना चाहते हो तो देख सकते हो आगे भी। दिस मूवी इज़ नॉट लाइक अदर मूवीज़ जिसमें बेकार के लव सीन्स और वल्गर चीप आइटम सॉन्ग्स डाल दिए जाते हैं, और शायद यही वजह रही होगी कि इस फिल्म को ना बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही कम कमाई मिली और ये मूवी फ्लॉप रही, क्योंकि आजकल के लोग मसालेदार मूवीज़ और बिन सरपाई की स्टोरीज देखना ज़्यादा पसंद करते हैं, जिसमें स्टोरी छोड़कर सभी चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है। तो मुझे ये मूवी इसलिए पसंद आई क्योंकि इस मूवी में ऐसी कुछ भी चीज़ नहीं थी, मूवी की स्टोरी अच्छी थी, ऊपर से ये बहुत ज़्यादा मिस्ट्री वाली थी, तो कहानी और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनती जा रही थी। वहीं दूसरी चीज़, मूवी की लोकेशन को एग्जैक्ट तो नहीं पर स्टोरी के हिसाब से काफ़ी मैच होती है, जो मूवी को और ज़्यादा मिस्टीरियस बनाती है और आपके मन में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट जगाती है। और वहीं पर दूसरी ओर जो सुशांत सिंह राजपूत है इसमें स्टार, उन्होंने अपनी एक्टिंग भी बहुत ही बखूबी तरीके से की है, जो आपको बोर तो बिल्कुल नहीं होने देती। वहीं दोस्तों, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा इस मूवी को देखने के बाद में, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने में बड़ा मज़ा आएगा। फिलहाल मैं लेता हूँ आप सभी से अलविदा, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए यार अपना ख्याल रखिएगा, बाय।